हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस ठेकुआ की रेसिपी। ये छठ पूजा में एज ए प्रसाद बनाई जाती है, इसके बिना छठ पूजा नहीं होता है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी और बनाना भी इसे बहुत आसान है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप कुकीज़ के जगह से रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाते हैं ठेकुआ। इसे बनाने के लिए मैंने एक परात लिया है और 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो गेहूं और आप चाहे तो पूरी तरह से मैदे से भी बना सकते हैं। 1/4 कप रवा डाला है बारीक वाला और 1/4 कप ही डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं ड्राई कोकोनट को, मैंने दोनों भी डाल दिया है। साथ ही 1/2 टीस्पून इलायची क्रश करके और 1/2 टीस्पून सौंफ को भी मैंने क्रश करके डाल दिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बढ़िया से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटे से ही इसे बना सकते हैं। अब मेन पार्ट आता है इसका, मोइन। मैंने यहाँ 1/4 कप घी डाला है, जो पूरी तरह से मेल्टेड भी नहीं था और पूरी तरह से जमा हुआ भी नहीं था। इस तरह से ये 1/4 कप से ना 2 टेबल स्पून के जितना ज़्यादा होगा। तो अगर आप इसे मेल्ट करते हैं तो इतना घी आपको डालना है और अच्छे से मोइन देना है। आटा और घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ठेकुआ बनाने में कि आपका जो मोइन होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए और एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह की बाइंडिंग करें ना तो एक स्ट्रॉन्ग सा बाइंडिंग आए, आप इसे तोड़े तो ही ये टूटे। इस तरह की बाइंडिंग हमें ठेकुआ के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना 1/4 कप और 2 टेबल स्पून के जितना घी डाला है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी, 1/2 कप डाला है मैंने और अच्छे से मिक्स किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मीठा ही बनाया है, तो 1/2 कप चीनी और लेंगे और उसमें से आधा सा ज़्यादा चीनी डाल दिया है। तो 1 कप के जितना ही चीनी लिया था मैंने और उसमें से 2 से 3 टेबल स्पून चीनी बचा लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पर है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छा सा एक डो लगाएंगे। आप पानी से भी बना सकते हैं, दूध से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और एक सख्त सा डो बनाकर रेडी करना है। इसका जो डो होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, तो इस तरह का डो लगाना है। ध्यान रहे, डो लगाने के टाइम आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम हार्ड सा डो बनाकर रेडी करना है। तो ये देखिए, एकदम हार्ड सा डो बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब ये बनकर रेडी हो गया है, इसे सेट होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह के क्रैक्स आ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ लेमन के साइज़ के जितना हम पेड़ा लेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह का लेते हैं, और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे और उसे अपने इस तरह से हाथों पर रख कर हल्का सा प्रेस करेंगे। तो जो साइड साइड क्रैक आ रहे हैं ना, यही पहचान है कि ठेकुआ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो इस तरह का क्रैक आए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका ठेकुआ। और मेरे पास साँचा नहीं है तो बिना साँचे के आप इस तरह से टूथपिक से भी बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा डिज़ाइन बन रहा है, इस तरह से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो ये देखिए, एक ठेकुआ हमारा बनकर रेडी है और दूसरा भी इसी तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन जो भी आप चाहते हैं ना, आप इस तरह से फोक से या आपके पास टूथपिक हो तो उससे आप बना सकते हैं। तो एकदम बढ़िया सा हमारा जो ठेकुआ है ना, वो इस तरह से बनकर रेडी है। और जो साइड से क्रैक आए हैं, हल्का सा उन्हें हम ठीक करेंगे और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठेकुआ एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से फटाफट से डिज़ाइन बना लेंगे, बहुत इजी है बनाना। बिना साँचे के भी आप इसे बहुत अच्छा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले रोल बना लेंगे, एक जो लेमन के साइज़ का होता है, अच्छे से इसे प्रेस करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और उसके बाद जो हम जो पूरी वगैरह तलने के लिए छन्नी होती है ना, उस पर इस तरह से डालकर प्रेस करेंगे। तो हल्के हाथों से इसे इस तरह से चारों साइड प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ना डिज़ाइन आ जाता है इसके ऊपर। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे आप भी बना सकते हैं और आप बिना साँचे के भी इस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइन इसके ऊपर दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे जो ठेकुआ है ना बनाकर रेडी कर लिया है। एकदम सिंपल तरीका है और कोई भी बना सकता है। बस आपको ध्यान देना है मोइन लगाने के टाइम, और आपको ध्यान देना है जब आप इसका डो बना रहे हो ना तो एकदम सख्त बनाए, तो आपका भी जो ठेकुआ है ना पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो बस अब चलते हैं, हमारा ठेकुआ बनकर रेडी है फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो उसका जो टेम्परेचर है वो लो कर देंगे और उसके बाद इस तरह से मीडियम गर्म तेल में ही आपको डालना है। एक बॉल डालकर देखा मैंने, हल्के से बबल्स आए,
बस ऐसा इतना ही गरम तेल होना चाहिए। इसमें इस तरह से डाल देंगे, देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे, बिल्कुल इसी टेम्परेचर पर आपको डालना है। हाई टेम्परेचर पर डालेंगे ना तो ये ऊपर से एकदम ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से इस टेम्परेचर पर भी आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मीडियम गर्म तेल में ही आपको डालना है और उसके बाद एक मिनट तक वेट करना है। इस तरह से धीरे धीरे से पलटना है क्योंकि इसमें शुगर होता है और वो कैरेमलाइज हो जाता है और जिसकी वजह से सॉफ्ट पड़ जाता है। अगर हम थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से इसे पलटेंगे धीरे धीरे और बहुत ही ध्यान से करना है वरना ये टूट जाते हैं। तो इस तरह से सारा मैंने पलट दिया है। इसे फ्राई करने के लिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है तो इसे पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस के साथ आपको इसे फ्राई करना है और उसके बाद जो ठेकुआ आपका बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और ये एकदम खस्ता करारा सा ठेकुआ हमारा जो बनकर रेडी है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, आप पहली बार में ही परफेक्ट ठेकुआ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ठेकुआ का जब आटा लगाए तो आप ध्यान रखें मेजरमेंट का और फ्राई करने के टाइम पे इसे आप ध्यान रखें तेल के टेम्परेचर का, तो बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी सा बनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बैच जो था उसे भी मैंने इस तरह से तेल का टेम्परेचर पहले डाउन किया और उसके बाद डालकर फ्राई कर लिया है। और ये देखिए एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारा हमारा जो ठेकुआ है ना बनकर रेडी हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब बनता है, बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद आता है। इस छठ पूजा में आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, छठ पूजा के प्रसाद में इसे चढ़ाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मेरा तो फेवरेट है, मैं अक्सर इसे बनाती रहती हूँ और आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होगा, साथ ही साथ बनाना भी उसे बहुत आसान होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।